जितने कहते हैं भी ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र राशि और मुहूर्त ये सब वेद के विरुद्ध हैं। वेद के विरुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? ये घणन्ति ते ग्रहा, जो ग्रहण करे, जैसे ये पृथ्वी संसार को ग्रहण कर रही है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु चेतन पर कैसे चढ़ेगी? ये पाखंड है, बिल्कुल जी। तेरे पर ग्रह चढ़ गया। नक्षत्र, नक्षत्र एक महीने में 27 आएंगे, कह देंगे ये तो लड़की मंगली है। अभी मैंने पता लगा एक लड़की मंगली है, तो उधर गांव था एक बड़ा गांव, तो मैं उसके फेरे कराया गया जी, तो माँ मेरे पे चढ़ जाओ जो कुछ चढ़ेगा। एक लड़का कहे मंगला है, तो ये मंगलिक है, उनके 26,000 रुपये लेके किसी ब्राह्मण ने बेरी से फेरे कराए दिए जी। तो ऐसे ऐसे पाखंड भी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो नक्षत्र क्या है? एक महीने में 27 आएंगे, अश्विनी से लेकर रेवती तक 19 मां नक्षत्र मूल है। मूल नक्षत्र में बत्ता पाया जाए या कोई पशु भी ब्याज है, गाय भी ब्याज है, भैंस भी ब्याज, तो क्या जुल्म है? वो तो समय है, समय तो जड़ है, जड़ वस्तु हमारी हानि नहीं कर सकती ना लाभ कर सकती। बस ये शुभ अशुभ ऐसे बना रखे हैं जी। ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र क्या है? जन्म पत्र नहीं, महर्षि दयानंद का शोक पत्र नाम दिया है। जब बच्चे का जन्म होता है, दूसरे समलास में दिया है बाल शिक्षा में जी, कि जब बच्चे का जन्म होता है बड़ी खुशी होती है, और वो कब तक रहती है? जब तक वो जन्म पत्र नहीं बन रहा। वो जन्म पत्र बनकर आ गया, नुगे जी ये ग्रह तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सोचा पैसे तो मिले नहीं, बोला जी एक ग्रह तो करूर है इस पर, बोला शनि। नुगे 8वीं साल में इसकी मृत्यु है। शनि किसे कहते हैं? सरगति वैक्षणो धातु है, अंग्रेजी में वर्ब, हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु है। 100 नाम तो ईश्वर के सत्यार प्रकाश के पहले समलास में दिए ऋषिधन ने कि चरगति वैक्षणो, शनिचर शब्द बनाया। शनिचर का मतलब ईश्वर भी है जो सहज में धैर्यवान, शनिचर एक बार भी है और शनिचर एक ग्रह भी है। ये तो कई कई नाम बन गए। बिल्कुल। शनिचर तो ईश्वर का नाम है। मंगी के तर्तन धातु से मंगल शब्द बनाया। मंगल एक ग्रह भी है, मंगल ईश्वर का नाम भी है। मंगते मंगते वाशा मंगला, जो सबको मंगलमय करे। और ये पारखने धातु पिता बनया, तो इससे पिता शब्द बन गया। बिल्कुल जी। एक बृहस्पति बन गया, पारक्षण धातु से परीक्षित भी बनागा, एक बृहस्पति भी ग्रह बना दिया इन्होंने। तो ये सब जड़ वस्तुएँ हैं जी। ये आपको 11वें समलास में मिल जाएंगी ग्रह पूजा सत्यार प्रकाश के में। बिल्कुल जी, सही। ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र राशि, राशि क्या है? वही राम की है, वही रावण की है, वही कृष्ण की है, वही कंस की है, वही सीता की है, वही सुरूपनखा की है। तो ये भी पाखंड है। और एक और बना दिया मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र जन्म पत्र राशि और मुहूर्त। मुहूर्त कितने आते हैं? एक गांव में वजीतपुर में गया मैं, एक ब्राह्मण बैठे, महा जी आप कौन है? बोले मैं तो पुरोहित हूँ। मैं पुरोहित का अर्थ बताइए। वो बोले पुरोहित तुम्हें? मैं पुरोहित का अर्थ तो बता जी। पुरोहित तो अपने आप अर्थ लिख दिया, पुरोहित जो दूसरों का हित करे, दूसरों हित करे। मैं और क्या करता है? इन्होंने कहा तो मैं तो मूर्त बताए करूँ। मैं चलो एक मूर्त कितने मिनट का वो बताए थे मेरे को जी। उसने पता नहीं ये भी, मैं 2 घड़ी का मूर्त हो गया, 24 मिनट की घड़ी हो है। तो और कई बैठे थे, बोले आप बताओ। मेरा भी बताया तो दिया मैंने कि 24 मिनट की एक घड़ी हो है और 2 घड़ी का मूर्त हो है, 48 मिनट का मूर्त हो है। ये समय को बताने की चीज़ें हैं सारी। बिल्कुल। ये जो मूर्त भी समय को बताता है, ये नक्षत्र भी समय को बताता है, ये घंटे भी, ये घड़ी भी, ये पैर भी, कई चीज़ें हैं, ये बार भी हैं, समय को मापने की कई चीज़ें हैं। ये तो जी स्वामी जी प्रभु कह रहे हैं कि 10-20 रुपए में मतलब ग्रहों की दिशाएं बदल देते हैं यहाँ। तो ये तो उल्टा काम है इनका सारा का सारा। देखो इसमें ग्रह नक्षत्र राशि और मुहूर्त, इन्हें क्या किया